नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे पास है और हथेली का हम बहुत सुंदर तरीके से विश्लेषण करके बताएंगे और इसमें जो उपाय निकलता है वो उपाय आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑडियो के द्वारा और लिख करके आपको भेज दिए जाएंगे। अगर आपने वो उपाय जो है अनुशासनात्मक ढंग से श्रद्धापूर्वक कर लिए तो बहुत बेहतरीन परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। हथेली का विश्लेषण करने से पहले अपने जो सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूँ। देखिएगा, यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, आप लोग हस्तरेखा शास्त्र देख सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक लर्निंग वाला यूट्यूब चैनल खोला है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसका जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस लिंक पे जाइएगा और उस चैनल की वीडियो देखिएगा। उसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप वो बटन दबा लीजिएगा, साथ में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा लीजिएगा, जिससे मैं प्रत्येक दिन उस वीडियो में लर्निंग वीडियो डालूँगा, जिससे जो है जो व्यक्ति हस्तरेखा जानता भी न हो वो व्यक्ति भी उस वीडियो को अगर देखे तो बहुत कुछ उस व्यक्ति के समझ में आ जाएगा। एक सरल तरीके से लर्निंग वीडियो प्रत्येक दिन हम जो है उस चैनल में डालते हैं, डालने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो पहली वीडियो पड़ी है, लेकिन कल से जो है रेगुलर तरीके से उसमें वीडियो जाएंगी। और आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया तो आप जो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन आएगा, आप अपने समय के अनुसार उसको देख सकते हैं और उसका पूरा फायदा ले सकते हैं। देखिएगा, प्रस्तुत हथेली को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अंगूठे का थोड़ा आकार प्रकार इस रूप में दिखाई दे रहा है। ध्यान से आप देखने की कोशिश करें। ज़्यादातर मामले में ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, जातक होते हैं, वो अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में करते हैं। कहीं आपने धन लगाना था और किसी ने कहा लगा दिया, निर्णयों के कारण ऐसे लोगों का ज़्यादातर नुकसान होता है। ऐसे लोगों को बड़ा सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। लगभग 36 वर्ष की आयु या 42 वर्ष की आयु या 56 वर्ष की आयु में ऐसे लोगों का भाग्योदय होता है। शुरुआती दौर थोड़ा सा पीड़ादायी रहता है, घर परिवार को भी जो सुख होता है वो थोड़ा कम ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन तर्क की जो शक्ति है, बहुत मधुर बोलना, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहती है। ऐसे लोगों को लॉजिकल तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं, दूसरों को समझाने में भी माहिरता हासिल होती है, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखते हैं तो हथेली का जो आकार बन रहा है, हथेली का आकार जो है एकदम जो है आयताकार हथेली दिखाई दे रही है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व यहाँ पे है। करियर का मामला देखें तो ऐसे लोग मस्तिष्क से कार्य करने वाले होते हैं या बोलने से ऐसे लोगों का कार्य ज़्यादा चलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नोट करने लायक है, कहीं आप कहें कि बैठने वाला कार्य है ये वाला, नहीं। जो शनि की उंगली है ये पूरी रूप से झुक रही है, ये तीसरा पौरव तो ज़्यादा झुक रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। ये शनि के नेगेटिव गुणों को बताती है। हथेली कैसी भी हो, इसका आकार प्रकार कैसा भी हो, लेकिन ये जो उंगली है ये अगर इस तरह है तो व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा ट्रेवलिंग करता है, चाहे सरकारी क्षेत्र में है चाहे कहीं भी है, लेकिन एक संघर्ष वाला जो है कार्य अच्छा रहता है, लेकिन थोड़ा संघर्ष दिलाती है। और दूसरी बात है, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है, और एक बार में कोई भी काम ऐसे व्यक्तियों का सफल नहीं हो पाता है।
ये सबसे बड़ी दिक्कत है शनि की। शनि अगर भाग्योदय इस प्रकार से हो तो बहुत ज़्यादा संघर्ष दिलाता है, कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है। यह सब कुछ होते हुए भी खुशियों में ये कमी करने का कार्य करता है निश्चित रूप से, और यश की प्राप्ति व्यक्ति को बहुत जल्दी नहीं हो पाती है। और अगर भाग्य स्थान इस तरह से हो, बहुत ज़्यादा गहरा बैठा हुआ एकदम, और साथ में जो है इस प्रकार का बकरी का साइन हो, तो ये मान लीजिएगा कि व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है धोखे का शिकार होगा, कहीं ना कहीं व्यक्ति हर बार इस्तेमाल ज़्यादा होगा। और इस तरह से गुणा का चिन्ह है तो भाग्य का साथ व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, बहुत कम चांस होते हैं कि व्यक्ति को भाग्य का साथ प्रॉपर रूप से मिले। कहीं ना कहीं करियर के मामले में तो बहुत ज़्यादा जो है ये अपनी अड़चने डालता है, हर समय अड़चने डालता है व्यक्ति को। इस्तेमाल होता व्यक्ति धोखा खाता है, कहीं से पैसा मिलना था बस मिलने ही वाला होता है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आता है तो इस्तेमाल होता है व्यक्ति केवल, धोखा खाता है केवल, खुशियों में कमी आती है केवल, जीवन को निरस्ता की ओर ले जाता है, तो ये भाग्य स्थान ले जाता। बहुत मुश्किल है कहना कि कोई भी चीज़ जो है सफलता की ओर जाएगी, लेकिन इसके जो उपाय हैं अगर व्यक्ति करे तो निश्चित रूप से जो है बहुत बेहतरीन परिणाम ये देता है। लेकिन वो आपके ऊपर होता है कि आप इसको करते हैं कि नहीं करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम हस्तरेखा में विश्वास नहीं मानते, कुछ लोग कहते हैं हम विश्वास मानते हैं लेकिन हम उपाय नहीं करेंगे, केवल हमें कुछ बताओ क्या पहनना है, हम अंगूठी पहन लेंगे बस पहन के डाल देंगे और अपने आप अच्छा हो जाए। ये ऐसा वाला ग्रह नहीं है, ये न्याय का देवता है, कर्म को प्रधान देवता है, तो इसलिए जो है ये ग्रह इस रूप में बैठा हुआ है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा कठिनता पैदा करता है। और सरल उपाय होते हैं इसके, करिए करके देखिएगा, 3.5 महीने के बाद ही आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे, चाहे ये कितना भी गहरा है, चाहे ये जो है कितना भी नेगेटिव फल दे रहा है, लेकिन आपने विधिवत तरीके से उपाय कर लिए तो 3.5 महीने के बाद ही बहुत बेहतरीन परिणाम आपको देखने शुरू हो जाएंगे, ये 100% है, करके देखिएगा। यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है हथेली में, फिर हम पूरा हथेली का विश्लेषण करते हैं। अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, हद से ज़्यादा फूल गया है, ये किसका कारक है? मैंने पिछली वीडियोज में भी बताया है, ये है कला, सौंदर्य, सुंदरता और एक सुखद जीवन। ये अगर अनुकूल स्थिति में है तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी, ये तेजोमय अवस्था में होगा तो आप तेजस्वी होंगे, ये सुंदर है, यहाँ पे फूला हुआ भी है, ये तो है कि चेहरा जो है व्यक्ति की, पर्सनालिटी जो है व्यक्ति की ठीक होगी, अच्छी होगी, सुंदरता और आकर्षण व्यक्ति के अंदर होगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी दे रहा है, नई चीज़ों के प्रति रुझान भी है, लेकिन क्या है ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, तो ये मानसिक परेशानी बहुत ज़्यादा देता है, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ शनि भी खराब हो तो खुशियाँ जीवन में मिलना बहुत ज़्यादा मनी मुश्किल होती है। दूसरी बात अगर देखें, सुख में कमी करता है, और सुख कितने प्रकार के होते हैं, शारीरिक सुख है, मानसिक सुख है, दाम्पत्य जीवन का सुख है, परिवार का सुख है। ये दाम्पत्य जीवन के सुख में भी तकरार करता है, बाहर से कितने भी अच्छे रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी छोटी बातों में भी दाम्पत्य जीवन का जो सुख का भोग है व्यक्ति उस भोग को नहीं प्राप्त करता है। कर भी लिया तो मानसिक परेशानी रहेगी, शारीरिक परेशानी रहेगी, कहीं ना कहीं से व्यक्ति हर समय जो है चिंता में रहेगा, और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति में ऐसा व्यक्ति जीता है। तो जो है शुक्र को जो है ठीक करना बहुत ज़रूरी है, लग्जरियस लाइफ की ओर जाना है। ये मंगल का क्षेत्र है, इसमें भी बहुत सारी रेखाएं हैं, एक रेखा बहुत अच्छी है इसमें, देखो ये रेखा इतनी गजब की है
कि ये रेखा जो है, अगर ग्रह नक्षत्र अच्छे होते हैं तो इसका बेहतरीन फायदा आपको मिलेगा। ये दूसरों का सहयोग व्यक्ति को बहुत अच्छे रूप में मिलता है अगर ये रेखा एक्टिवेट हो। यहाँ तो सभी इसको काट रहे हैं, इसके सारा महत्व को ख़त्म कर रहे हैं, अपना महत्व इसके ऊपर डाल रहे हैं, अपना प्रभाव इसके ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन ये अनुकूल स्थिति में आते हैं और ये रेखा एक्टिवेट होती है, ज़रूरी होगी तो निश्चित रूप से आपको जो है आगे आने वाले समय में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा और जीवन में भगवान की जो कृपा है वो आपके ऊपर फलदायी रूप से रहेगी। ये रेखा इंगित कर रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं, लेकिन उस प्रतिभा का, उस तीव्र बुद्धि का सही से प्रयोग नहीं हो पा रहा है। सोचने और समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से है। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखते हैं। आपका व्यक्तित्व अगर ग्रह अनुकूल होते हैं तो अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है और अचल संपत्ति का भी आपको अच्छा खासा जो है लाभ मिलेगा। कहीं से अगर आपके पैसे मिलने हैं ना तो ग्रहों की उपाय कर लीजिएगा, 3.5 महीने के बाद कुछ ना कुछ आपको फर्क मिलेगा और 3.5 से 6 महीने के अंदर अंदर जो है आपके कार्य फलित होने बैठ जाएंगे। चाहे मकान लेनी हो, चाहे लोन लेना हो, चाहे किसी भी प्रकार की कोई समस्या है उसको हल होने में 3.5 से 6 महीने के अंदर अंदर वो चीज़ हल हो जाएगी। लेकिन जीवन स्मूथ रूप से कब से चलेगा ये आपकी राहु की रेखा कह रही है। ये देखा, यहाँ से जाती हुई और शनि पे जारी है, ये जारी है 49वें वर्ष में, 48 से 49वें वर्ष के बीच कहीं ना कहीं धन में वृद्धि हो जाएगी। जीवन में जो है दो तरफा धन का आगमन होगा और आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पे आपकी पहुँचेगी राहु के शनि से मिलन के कारण, और निश्चित रूप से जीवन जो है लग्जरियस की ओर जाएगा और पीछे जितनी भी पीड़ा झेली है, जितना भी संघर्ष झेला है उनको व्यक्ति भूल जाएगा। ये आपकी ये रेखा कह रही है। आपकी भाग्य रेखा एक मस्तिष्क रेखा से शुरू हो रही है, बहुत अच्छी रेखा है ये रेखा। इस तरह से हो तो ऐसा जातक सामान्य परिवार में जन्म लेकर भी अपनी योग्यता और अपनी लगन से सफलता के उच्च शिखर को छूता ही निश्चित है। लेकिन यहाँ से एक रेखा निकल रही है और ये भी मैंने बता ही दिया इस तरह से है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं के निर्णयों द्वारा अपने विकास को अवरुद्ध कर लेता है या भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा निर्णय ले लेता है कि स्वयं के विकास को अवरुद्ध व्यक्ति को करना पड़ता है और फिर उस विकास को पाना, उस प्रोग्रेस को पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कहीं ना कहीं धन और करियर की रेखा, कहीं ना कहीं आपका अंगूठा, कहीं ना कहीं आपकी मिडिल फिंगर और कहीं ना कहीं आपके शुक्र और शनि इस चीज़ की ओर आपको ले जा रहे हैं कि व्यक्ति का जो जीवन है ना संघर्ष से परिपूर्ण है, आर्थिक रूप से कमजोर है और सुख की प्राप्ति कम हो पा रही है। तो इसको प्राप्त करने के लिए अपनी जीवनचर्या बदलनी है, अपने निर्णयों में जल्दबाजी नहीं करनी है और निर्णय बड़े सोच समझ कर जो है लेने हैं, इस चीज़ की ओर जो है इशारा आपकी हथेली कर रही है। इसी अनुसार चलिएगा, हथेली के अनुसार वक्त आ गया है कि निर्णय बड़े सोच समझ कर ले, वक्त आ गया है कि किसी चीज़ को करने से पहले उसकी स्टडी कर ले, उसका सार जान ले क्या है क्या नहीं है, तब उस चीज़ को शुरू करें। वक्त आ गया है कि जीवनचर्या को थोड़ा बदल दीजिएगा, जो आलतू फालतू का संघर्ष है ना उसमें थोड़ा दिमाग लगाकर उसको कम कर लीजिएगा और जीवन में योगिक क्रियाएं, ध्यान क्रियाएं निश्चित तौर पे कर लीजिएगा। नहीं करेंगे तो जिस तरह से जीवन चल रहा है ना इसी तरह से जीवन एक दिन जो है संपन्नता की ओर जाएगा, ये निश्चित है। लेकिन अपने को बदलना सबसे अच्छा तरीका है, अपने जीवन की ज्यामितीय क्रिया को बदलना सबसे अच्छा तरीका है और इसका एक ही तरीका है, योगिक क्रिया और ध्यान क्रिया, और वो बहुत सरल होती है।
अगर आप पूजा पाठ नहीं करते हैं तो न करिएगा, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि भगवान को जो है किसी की पूजा पाठ की ज़रूरत नहीं है। हमें भगवान की ज़रूरत होती है, उसकी कृपा की ज़रूरत होती है, वो परमात्मा परमेश्वर को किसी कृपा की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जीवन को भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शांत और सुखी रखने के लिए योगिक क्रियाएं, ध्यान क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। आपको बहुत सरल तरीके दूंगा, करिएगा, अनुशासनात्मक ढंग से करिएगा। सूर्योदय का समय आएगा, व्यक्ति के जीवन में दोनों समय होते हैं, एक दिन का होता है, एक रात का होता है। रात का समय संघर्ष का होता है, अंधेरा छा जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता है, जीवन अंधकार में चला जाता है। दिन का समय उजाले का होता है, व्यक्ति की जीवन में खुशियाँ आती है, और उसमें भी सूर्योदय का समय हो, कहते हैं ना यार तेरा समय उजाला वाला चल रहा, दिन वाला चल रहा, और वो भी सूर्योदय वाला, तो वो स्थिति आ जाएगी ध्यान और योगिक क्रिया द्वारा। और प्राकृतिक उपाय अपनाइए। आजकल की व्यस्ततम जीवन में व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकता है, हाथ जोड़िएगा श्रद्धापूर्वक, मगर ध्यान और योग क्रिया एक मिनट, दो मिनट, पाँच मिनट आप हर सुबह कर सकते हैं, हर शाम को सोने से पहले कर सकते हैं। उसके लिए जो है थोड़ा सा जो है स्वच्छ स्थान चाहिए होता है, साफ सुथरा, वहाँ पे बैठ जाइएगा, बस की सीट है उसमें बैठ जाइएगा, ध्यान और योग क्रिया कर लीजिएगा, ट्रेन की सीट में बैठ जाइएगा, एरोप्लेन की सीट में बैठ जाइएगा, उसके लिए बहुत ज़्यादा मंत्र जाप करने की ज़रूरत नहीं, एक ध्यान और एक योग क्रिया ही बहुत है जीवन बदलने के लिए, करके देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, आपकी जो ये इंडेक्स फिंगर है पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, आपके अंदर धार्मिक भावनाओं को ये जन्म दे रही है। निश्चित ही कैसी भी अवस्था हो, ईश्वर में विश्वास है, और ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी आपका है, दयालुता भी है, परोपकार की भावना में दिखाई दे रही है, और धार्मिक भावनाएं भी आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में है। इस चीज़ के लिए जो है आपकी बढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन शनि के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही किसी काम में सफलता की प्राप्ति होती है। सूर्य की उंगली देखें तो इस तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। नेम और फेम पाने की जो इच्छा है, यश पाने की जो इच्छा है, वो प्रबल रूप लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर देखें तो ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, और जब ये उंगली बड़ी होती है ना, तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव वाला व्यक्तित्व तो होता है, व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, और कभी व्यक्ति रिस्क में जो है डूब जाता है, कभी उभर जाता है, लेकिन रिस्क वाला व्यक्ति अपने जीवन में एक ना एक दिन सफल होता है। ये चीज़ बहुत अच्छी है आपकी हथेली में। दूसरा, ये लंबी हो तो जीवन काल के एक स्तर पे व्यक्ति जो है श्रेष्ठता की प्राप्ति करता है और सफलता की प्राप्ति जरूर करता है, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये उंगली भी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ है, धन कमाने की ललक को पैदा करती है, बहुत ज़्यादा ललक यहाँ पे पैदा करती हुई दिखाई दे रही है, चिपक रखी है, थोड़ा सा जो है नहीं चिपकी हुई नहीं है, ढल रही है केवल। और यहाँ पे देखें तो बहुत ज़्यादा छोटी है ये, कहीं ना कहीं जो है मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, और कभी कभार जो है जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें बहुत ज़्यादा कमी पैदा करती है। तो इसके लिए जो है बुध वाला उपाय करना बहुत श्रेष्ठ है। खान पान पर ध्यान देना, दिनचर्या पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी दिखाई दे रहा है। अंगूठे के बारे में हमने बता दिया। यहाँ पे आपकी हृदय की लकीर को देखें तो सीधा सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ये भी अच्छा है, श्रेष्ठ इसलिए है कि आपका जो व्यक्तित्व है केवल अपने लिए सोचने वाला व्यक्तित्व नहीं है, बल्कि जीवन में सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है, बुद्धिमान है, तेजस्वी भी है, और प्रेम के मामले में बहुत श्रेष्ठ है,
जिसको भी प्रेम करते हैं, हृदय की गहराइयों से प्रेम करते हैं, जो आपका थोड़ा भी साथ निभाता है आप उसका साथ अंत तक निभाते हैं, लेकिन स्वाभिमानी है। स्वाभिमान में कभी न कभी अभिमान का पुट भी आता है, दिक्कत नहीं है, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। देखिएगा, जब ग्रह अनुकूल होगा तभी जीवन में आपको विस्तार मिलेगा, तभी जीवन में आपको फैलाव मिलेगा और यश की प्राप्ति होगी। अभी कुछ समय तक के लिए, विशेषकर जो है जब राहु वहाँ शनि से युक्ति बनाएगा, तब जाके जीवन स्मूथ चलेगा, हर तरह से जो है व्यक्ति प्रगति की ओर जाएगा, ये आपकी हथेली बता रही है। और उसके बाद आप चाहे व्यापार करें, नौकरी करें और कोई काम करें, एक लग्जरियस जीवन रहने वाला है, ये आपकी हथेली बता रही है। वर्तमान में आपकी जो है मस्तिष्क रेखा देखें तो धनुषाकार घूम रही है और ऊर्ध्व चंद्रमा पे जा रही है। कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा केवल सोचने वाले व्यक्ति हैं, केवल कल्पनाएं हो रही हैं, कोई भी योजना वर्तमान में आपके बहुत मुश्किल से धरातल पे उतर रही है। बाकी तो कल्पनाओं में ही जो है वो योजनाएं भी हैं और वो काम भी हैं, ये आपकी हथेली यहाँ पे बता रही है। दूसरी बात, अगर हम यहाँ पे देखें जीवन की रेखा, वास्तव में जीवन रेखा बहुत श्रेष्ठ है। जिस तरह जीवन की रेखा है उस तरह से ग्रह नक्षत्र होते और रेखाएं होती तो निरंतर उन्नति जरूर रहती। धन के मामले में कभी जो है आर्थिक परेशानी नहीं रहती। परिवार के प्रति केयर करने वाला व्यक्तित्व आपका है। जैसे ही आपके ग्रह नक्षत्र अनुकूल होंगे, निश्चित ही जो है सफलता एक बार पकड़ ली आपने तो वो जो है अंत तक रहेगी, फिर परेशानियां आपकी ज़्यादातर नहीं आएंगी, ये आपकी हथेली बता रही है। यहाँ पे एक यूं जा रही है और एक इधर से आ रही है, कहीं ना कहीं जो है ये धार्मिक भावनाओं को जन्म दे रही है, अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होगी और आपको पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है या एक बड़ा और भव्य यात्रा का लाभ मिल सकता है। यहाँ से एक जो है चंद्रमा की ओर जारी है, खान पान का, पानी संबंधी, दूध संबंधी, चंद्रमा के अनुकूल होने पर ये व्यवसाय आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। यहाँ से भी एक रेखा यूँ जारी है, ये ज़्यादा नीचे तक की आनी रेखा ठीक नहीं मानी जाती है, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक रेखा चंद्रमा से निकलकर आभास हो रहा है कि सूर्य पे चली जाएगी। अभी पुष्ट नहीं हुई लेकिन एक न एक दिन ये पुष्ट होगी, ठीक है ना। और अगर ये रेखा कोई भी रेखा हो, ये जो है चंद्र क्षेत्र से आरंभ होती है तो संदेह नहीं होता है कि व्यक्ति का भाग्य चमकेगा, लेकिन जो आपकी ये मेहनत होगी अपने निजी परिश्रम से ज़्यादा ना होकर दूसरों की इच्छा और सहायता पर भी निर्भर करेगी। कहीं ना कहीं जो जीवन साथी है या कहीं ना कहीं जो आपको बहुत गहरे रूप में जानते हैं या जिनकी आप मदद लेते हैं, उनकी सहायता भी जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मुख्य रूप से जो है आपका शनि और आपका शुक्र यहाँ पे पीड़ा देता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष, कहीं ना कहीं मानसिक तनाव, आर्थिक रूप में पिछड़ापन, कहीं ना कहीं जीवन को अस्त व्यस्तता जो दिखाई दे रही है, ये शुक्र शनि के कारण यहाँ पे दिख रही है। इनको योग क्रिया और ध्यान क्रिया द्वारा और प्राकृतिक उपायों द्वारा सही कीजिएगा, बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा। पुरानी बातें छोड़िएगा, परंपरा को थोड़ा विराम दीजिएगा और अपने जीवन को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिएगा, जो रूटीन है, तब जाके ग्रह नक्षत्र अच्छे होंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। यहाँ पे अगर देखते हैं निम्न मंगल गहरा दिखाई दे रहा है और ये जब गहरा होता है तो कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा करता है, उलझन की स्थिति पैदा करता है और डिसीजन लेने की जो क्षमता है उस पर असर डालता है। अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो जो नज़रों की परेशानी है, आँख में चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, या अगर हम कहें कॉन्फिडेंस के लेवल जो है उसको घटाता है, ये
शारीरिक जो ताकत है उसको कम करने का कार्य करता है और व्यक्ति दुविधा में रहता है ज़्यादातर मामले में, अगर ये इस तरह से। हाँ, आपका जो है यहाँ पे बृहस्पति देखिए, बृहस्पति आपका बहुत सुंदर अवस्था में है, बहुत ही अच्छी अवस्था में है और बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व तो आपको दे रहा है। ग्रहों के अनुकूल होने पे जब भी आप उन्नति करेंगे, स्वयं तो करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नत करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी बन के रहेंगे, स्वाभिमानी होंगे, अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज रखने वाला व्यक्तित्व है आपका, न्यायप्रिय व्यक्तित्व है, अपनी बातों का निर्वहन करने वाला व्यक्तित्व भी है, जहाँ परोपकार की भावनाएं आपके अंदर है वहाँ धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में हैं। और देखिएगा आचार्य बृहस्पति किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस तरह से शानदार अवस्था में होना, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान एक स्तर पे इन लोगों को मिलता है। आने वाले समय में निश्चित ही जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बृहस्पति आपका बहुत सुंदर स्थिति में है, समस्याएं तो जीवन में आती हैं लेकिन व्यक्ति समस्याओं से बच भी जाता है। करियर का मामला देखें तो सभी ग्रहों में बृहस्पति ही आपका ऐसा ग्रह है कि इससे संबंधित अगर काम किए जाएं तो कामयाबी जल्दी मिलेगी और लंबी दूरी तक मिलेगी। इसका क्षेत्र है शिक्षा का, इसका क्षेत्र है मैनेजमेंट का, इसका क्षेत्र है इंजीनियरिंग का, इसका क्षेत्र है जो है चिकित्सा का, और इसका क्षेत्र है वाणिज्य का, इसका क्षेत्र है जो है कानून का। अगर इन क्षेत्रों में जो है व्यक्ति अपना काम करे या नौकरी करे तो जो है उसमें ज़्यादा कामयाबी और सफलता व्यक्ति को मिलेगी। बाकी हाथ की कोई भी ग्रह जो है किसी भी करियर के मामले में अच्छी चीज़ नहीं बता रहा है, क्योंकि हथेली ऐसी ही है। बाकी अगर देखें जिस तरह से शनि है, कहीं ना कहीं इस्तेमाल ज़्यादा होंगे, धोखा खाएंगे, जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आएगी और अड़चने जीवन में ज़्यादा आएंगी। व्यक्ति को कई बार सोचेगा, हर चीज़ में अड़चन दिखाई दे रहा है। सूर्य में बहुत सारी रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। सूर्य में अगर इस तरह से रेखाएं हो, बहु विचार व्यक्ति के मन में आते हैं, कभी ये करना चाहता है व्यक्ति, कभी वो करना चाहता है, और ना इसमें सफल हो पाता है ना उसमें सफल हो पाता है, और व्यक्ति के सफलता के स्तर को भी ये घटाती है और कहीं ना कहीं छवि को धूमिल करने का कार्य भी करती है। सूर्य इस तरह से मध्यम स्थिति में हो तो व्यक्ति के मेहनत का, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जो योग्यता व्यक्ति के अंदर रहती है, जो क्वालिटी आपके अंदर है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। चाहे आप नौकरी करो चाहे व्यवसाय करो, वो विस्तार नहीं मिल पाता है, वो फैलाव नहीं मिल पाता है जो व्यक्ति को चाहिए, एक तरह से रास्ता नहीं मिल पाता है। चाहे आर्थिक स्थिति हो चाहे कोई भी स्थिति हो, उसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए एक रूटीन के हिसाब से आपको योग क्रियाएं, ध्यान क्रियाएं जरूर करनी है और प्राकृतिक उपाय। बुध आपका अच्छा है, इसमें लकीरें भी बहुत सुंदर है। आजीवन जीवन पर्यंत ऐसा व्यक्ति पैसा कमाता है। दूसरी बात, सेवा भाव भी होता है, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन की हर परिस्थिति को संभालने वाला होता, वाणी की शक्ति बहुत मीठी होती है, चाहे ग्रह नक्षत्र कैसे चल रहे हैं, स्थिति कैसी है, लेकिन वाणी की शक्ति बहुत अच्छी, अपनी बात को कैसे रखें, कहाँ पे रखें, कौन सी बात कैसे रखें, ये चीज़ आपके अंदर है। बिजनेस माइंड है व्यक्ति का, अगर सभी ग्रह अनुकूल स्थिति में आते हैं तो जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। चंद्रमा देखें तो चंद्रमा अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा है। अगर चंद्रमा इस रूप में होता है हथेली में तो व्यक्ति के मन को गड़बड़ करता रहता है, मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है, ज़्यादा भावुक हो जाता है कई बार जो है व्यक्ति, या इमोशनली भी परेशान हो जाता है। चंद्रमा इस रूप में बैठा हुआ होता है तो
तो मन अच्छा नहीं रहता है, कार्य में मन नहीं लगता है, मन भटक जाता है व्यक्ति का। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो देखिएगा कभी कभार पेट भी सही नहीं होता है। और चंद्रमा इस प्रकार से निगेटिव हो जाए तो कहीं ना कहीं माँ का सुख जो वास्तव में मिलना चाहिए था उस सुख में भी कमी आती है। चंद्रमा खराब रहे तो नींद आने में भी दिक्कत होती है, और जीवन काल के लिए व्यक्ति जो योजनाएं बनाता है, जो क्रियाएं बनाता है, वो सफल नहीं हो पाती हैं, ज़्यादातर धरातल पे नहीं उतर पाती हैं, और कहीं ना कहीं जो है चिंता व्यक्ति के जीवन में लगी रहती है। इस बात की ओर जो है चंद्रमा आपको ले जा रहा है। साथ में जो है यहाँ दिख रहा आपका मणिबंध, वो भी कह रहा है कि कुछ समय तक संघर्ष रहेगा और कोई ना कोई चिंता जो है जीवन में लगी रहेगी। देखा जाए तो पूरी हथेली में एक चीज़ देखने को मिली है कि जो सुख का पार्ट है, अपीयरेंस वाला जो पार्ट है, और जो आपके जो है जीवन में तरक्की का पार्ट है, वो कहीं ना कहीं वीक अवस्था में है, जिसके कारण कन्फ्यूजन, दुविधा, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होना, कहीं ना कहीं जो है संघर्ष की स्थिति आना, किसी काम को भी जो है पूर्ण रूप में उभर कर ना आना, इस चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। मैं आपको बहुत बेहतरीन योगिक और ध्यान क्रियाएं दे रहा हूँ और प्राकृतिक उपाय दे रहा हूँ, थोड़ा सा अपना रूटीन बदलिएगा, निश्चित रूप से आने वाले समय में बेहतरीन परिणाम आएंगे। उन व्यूअर्स से, उन सब्सक्राइबर से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूँगा कि आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल भास्करा पामिस्ट्री दर्पण शुरू किया है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उसमें जाइएगा, वीडियो देखिएगा और उसको जो है लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन हम एक एक लर्निंग वाला नॉलेजबल वीडियो उसमें डालेंगे, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास जो है उसका नोटिफिकेशन जाएगा, अपने समय के अनुसार देखिएगा और उसका भरपूर फायदा उठाएगा। इसी कामना के साथ इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।